आज महाविकास आघाड़ी की सरकार बन चुकी है। उद्धव ठाकरे और 6 मंत्रियों ने सीएम के तौर पर शपथ ली और मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आप मीरा रोड से कॉरपोरेटर हो, कांग्रेस कॉरपोरेटर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से महाशिव आघाड़ी की सरकार आज बनी है, सीएम उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के बाड़ा साहेब थोराज जी, नितिन राउत जी, एनसीपी के नवाब मलिक, जयंत पाटिल और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आज इन्होंने शपथ लिया है और हम जो है इस महाआघाड़ी की सरकार हमारी आने से हम बहुत खुश हैं। इसी वजह से आज जो हम यहाँ के ऊपर हमारी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सरकार पे बहुत टिप्पणियाँ की जा रही है कि तीन पहिए की सरकार ये चल नहीं पाएगी, इस पर आप क्या कहना है? ये सरकार बिल्कुल 5 साल चलेगी, बिल्कुल 5 साल चलेगी ये सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारी बातें हो चुकी है, कॉमन मिनिमम के तहत ये सरकार 5 साल बखूबी चलेगी। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की तमाम आवाम को शुभकामनाएं देती हूँ, दिली मुबारकबाद देती हूँ। और क्या कहूँ मैं, आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो टीम बनी है, ये जो हुकूमत बनी है, ये पूरे 5 साल तक ऐसे चलेगी जिस तरह के एक मजबूत सरकार को चलना चाहिए। और इनके जो इस टीम में जो लोग हैं, इनकी जो आइडियोलॉजीज है, जो उनके विचारधाराएं हैं, जिस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, इससे यही साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरीके से महाराष्ट्र को एक ऐसे मकाम पे ले जाएगी जिसका महाराष्ट्र की आवाम ने हमेशा से सपना देखा है। आपके माध्यम से आप तमाम लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रोहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्यायात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे